Yo, what's up guys, welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, हमने चुराई थी एक बहुत बड़ी लिमोसिन. तो उसके बाद हमारे शोरूम में लेस्टर ने काफ़ी गाड़ियाँ मंगा के रखवा दी थी, और जो हमने और भी गाड़ियाँ मंगवाई थी वो सब आ चुकी थी हमारे शोरूम में, और कुछ बिक भी चुकी हैं. और हमारी एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है अपने गाड़ी की और बाइक्स की. देखिए, पूरा शोरूम में थोड़ी बहुत खाली जगह आपको दिख रही होगी. ये देखिए कितनी सारी बाइक्स आ चुकी हैं, पहले से भी ज़्यादा सुपर बाइक्स और ऊपर कार्स हैं. तो आज हमें एयरपोर्ट पर बुलाया है उसने डील के लिए, क्योंकि वो सीधा उसकी फ्लाइट है, एयरपोर्ट से ही वो सीधा हमसे मीटिंग करके जाने वाला है. तो हम अभी एयरपोर्ट के लिए चलते हैं. हमने बस अपनी एक बाइक रख रखी है यहाँ पे, कावासाकी निंजा, जो कि हमने पहला गैंग वालों से वापस ली थी. ये बाइक हमने अपने पास इसलिए रखी है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सेफ रहेगी. बाकी की गाड़ी और जो हमारी बाइक वगैरह थी हमने लेस्टर को दे दी है, और वो पूरी सिक्योरिटी उसने अपने सीक्रेट बेस पर लगा रखी है. अब हमें एयरपोर्ट जाना है, और एयरपोर्ट का रास्ता मार्क कर लेते हैं. इस जगह उसकी फ्लाइट यहाँ से जाएगी, हम फटाफट चलते हैं. तो गाइस, आज हमारी बहुत तगड़ी डील हो गई, तो हम लॉस सैंटोस के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे, क्योंकि हमारे शोरूम में इतनी बाइक्स हैं और इतनी गाड़ियाँ हैं कि अगर उस आदमी ने सारी खरीद ली, उस कह तो यही रहा था, पर पता चले अगर उसने ख़रीद ली तो सच्ची बता रहा हूँ, माइकल पहले से ही अमीर है और बहुत अमीर हो जाएगा उस डील के बाद. बस गाइस, आज ये वाली डील हो जाए पूरी. यहाँ से लेना है लेफ्ट, नहीं 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 सही 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 है सही है सही है, नहीं अभी सीधे ही जाना है. अच्छा, आगे वाला ब्रिज है, कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ के ब्रिजों से. एक भी टर्न गलत और हम पहुँचे गलत रास्ते पर. बाइक भगाते हुए मस्त तरीके से पहुंच गए एयरपोर्ट के पास. यहीं से खुदा लो, नहीं जाएगी, कायदे में जाना पड़ेगा. अरे यार, ये और चक्कर है. हाँ, वैसे भी सुपर बाइक है, जरा भी नुकसान हुआ तो ख़त्म, इसलिए आराम से चलानी है बिल्कुल बिना किसी दिक्कत. नीचे से ही जाना था, हो गई गड़बड़. नीचे से ही जाना था अपने को. या गिर है, बैठ, छोड़, मैं कुछ नहीं कह रहा उससे. आज हमारी डील होने वाली है भाई. अच्छा, मैं कह रहा हमारा स्वागत करने के लिए इतनी भीड़ बुला रखी है एयरपोर्ट का एंट्रेंस. चलो घूम के जाएंगे, यहाँ से कूदने का रास्ता है, यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे. अरे जा टैक्सी, अरे चल हट पल्लंग हट, और ये फटाफट भगाते हुए हम आ चुके हैं एयरपोर्ट. टूट गया भाई साहब, खोला ही नहीं. गार्ड पता नहीं सोते रहते हैं, इस बार ध्यान नहीं दिया, तेज भगाते हुए ला रहे थे. बाइक को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बढ़िया बाइक है काफ़ी. देखना ये होगा कि वो कहाँ मिलता है. तो गाइस, अभी उसका पता लगाना पड़ेगा कि वो कहाँ है. अभी तो फ़िलहाल हम एयरपोर्ट पर बाइक भगा रहे हैं, मुझे लग रहा है वो यहीं कहीं हो सकता है. उधर तो वो तो पता नहीं, ये वाला तो बंद है, इधर चेक करते हैं, शायद इधर ही है वो. यही है. अब चलते हैं बाइक खड़ी करके, हेलमेट उतार दो भाई साहब, पहचानेगा नहीं वो. गाइस अभी चलते हैं, उससे बात करते हैं. तो गाइस, अभी मैंने उससे बात कर ली है, इसने डील साइन कर ली है. ये कह रहा है हाँ, मैं तुम्हारी सारी गाड़ियाँ ख़रीद लूँगा. तो गाइस, आज हो चुका है माइकल का बहुत बड़ा वाला फ़ायदा,
और अब हम चलते हैं घर की तरफ, हेलमेट पहन लो नहीं तो पुलिस चालान काट लेगी। तो गाइस डील हो चुकी है हमारी इस बंदे से, और इसने कही है कि ये कम से कम 25 सुपर बाइक खरीदेगा और 20 सुपर कार खरीदेगा। शायद हमारे पास 25 सुपर बाइक्स तो हैं पर कार्स नहीं होंगी, शायद हो भी सकती हैं। मैं खोल दो गेट। भाई साहब कहाँ तुम ड्यूटी पे सोते रहते हो के? हाँ और करता, खोल दोगे? हाँ ठीक है, और चलते हैं फटाफट माइकल के घर पे और देखते हैं शोरूम में जाके कि वो सब है वहाँ पे, मतलब गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह हैं सारी या नहीं। तो अब हम फटाफट तेज़ी से भगाते हुए चलते हैं, बाइक को आराम से चलाते हुए ये फटाफट भगाते हुए मैं आ गया हूँ घर के पास। आप पहुँच ही गए, पहले गाड़ी मतलब देखते हैं। तो गाइस हम बाइक भगाते हुए आ चुके हैं घर के पास। गाइस क्या आवाज़ हो रही है ये कहाँ? ओ भाई ये शोरूम पे क्या हुआ? आज तो हमारी डील हुई थी अभी अभी, ये शोरूम पे क्या हुआ? ये कैसा ब्लास्ट? भाई घर पर पहुंच गए, देखते हैं यार बाइक को यहीं लगा दो पता चली। भाई देखो कितने भयंकर धमाके हो आवाज़ आ रही है, भाई क्या हो गया पता नहीं, पता नहीं गाइस क्या। ओ भाई ओ माय गॉड, भाई अपना तो बहुत नुकसान हो सकता है, ऐसे तो हो चुका ये हो ना हो किसी का तो काम है। मैं यार कुछ वो तो था नहीं ब्लास्ट होने लायक, कोई बाइक बची यार? जल्दी करो यार, भाई एक भी बाइक नहीं छोड़ी इन लोगों ने, उसने 20 बाइक 25 बाइक मांगी थी, एक भी नहीं बची है। गाड़ी भी जल चुकी है गाइस, ये दो गाड़ी बची हैं क्या? ये भी खराब हो चुकी है, ये बची है ये भी गई। गाइस ये सब खराब हो चुकी हैं, बस ये रिपेयर हो सकती हैं, इनको चलाया भी जा नहीं सकता। ऊपर भी गाइस गाड़ियां फट चुकी हैं, सब खराब हो चुकी हैं। गाइस देखो क्या मलबा, क्योंकि अपने देखते हैं हेलीकॉप्टर बचा है नहीं बचा। गाइस हेलीकॉप्टर भी गायब, सब गायब। ओ गाइस देखो बम फटा नीचे। ओ भाई कितने बम लगाए हैं, पहला स्किंग वालों का काम लगता है शायद। हाँ गाइस देखो यहाँ गाड़ी फटी है अभी बिल्कुल, भाई यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, जल्दी बाहर निकलो यहाँ से। तो गाइस आज तो हमारा बहुत बड़ा फायदा होने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो गाइस अपने उन बेलास गैंग वालों को नहीं छोड़ूंगा, अब उनका नाम और निशान मिटा दूंगा इस पूरे लॉस सैंटोस से। अब फोन कर रहे हैं, लौंडे बुलवा रहे हैं, अब इनके लिए तो देखते हैं क्या करते हैं। माइकल का पूरा शोरूम भी तबाह हो चुका है, अच्छा है हम ये वाली बाइक ले गए थे, नहीं तो बेलास गैंग वाले या तो इसको भी फोड़ देते या ले जाते फिर से, क्योंकि उनकी लड़ाई हमारी इसी बाइक की वजह से स्टार्ट हुई थी। तो गाइस इस वाली वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर देना, चाहे पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पे सेट कर देना, और जल्दी से कमेंट करके बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, लेक्चर से बात करनी